चंचल जब इंटर में पढ़ा तालीन है और वही इंटर में पढ़ने के दौरान चंचल से एक लड़का से लव हो जाता है और लगभग यह प्यार करीब 3-4 साल तक चलता है। और 3-4 साल चलने के बाद प्यार इतना मिठा जाला कि जो माँ बाप के 18 साल का मोहब्बत होले वो चंचल ठुकरा देलिन और चंचल माँ बाप के प्यार के ठुकरा करके अपने प्रेमी के साथ भाग करके मंदिर में शादी कर लेलिन और मंदिर में शादी कई के जीवन बढ़िया से चलत रहा है और दिल्ली में रहिन है। और वही वक्त चंचल के एक बिटिया पैदा होले और जब बिटिया पैदा होले साल भर के बाद तो चंचल के जो पति रहना है जो प्रेमी पति बन गए रहना है और चंचल के दिल्ली में ही छोड़ के वहाँ से भाग गए। बच्चियों को क्या कहना चाहती हो जो कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ते पढ़ते लव कर लेती हैं, लव करने के बाद उसके बाद वह एकाएक किसी के बहकावे में आकर के तुम्हारे जैसा कदम उठा लेती हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहती हो? हम उन लोगों से यही कहेंगे कि ऐसा कभी ना करे, मतलब हम ऐसे कर दिए ना तो हमको बहुत पछतावा हो रहा है और सबसे हम यही कहेंगे कि कभी ऐसा ना करे। मम्मी पापा जहाँ शादी कर दे वहीं पे खुश रहो और खुद से कभी शादी मत करो। हम पेट से हुए तो ये राजी खुशी से दोनों लोग चले गए दिल्ली, दिल्ली रहने लगे। बच्ची हुई तो बच्ची होने के कारण वो छोड़कर हमको चले आए घर, सब लोग मार पीट कर भगा दिए, बोले कि और दहेज लेके आओ, कोई दहेज देकर शादी नहीं की हो तुम, और हमारे लड़के को गाड़ी चाहिए 5 लाख रुपए चाहिए और हमारे बड़े लड़के को मिला है 4 पहिया गाड़ी, तुम भी लेकर आओ तो तुमको रहने के। कौन ये? मतलब आनंद विहार गए पहले और स्टेशन पे वहाँ बैठे तो खलीलाबाद स्टेशन पे उतरे, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से घर गए तो हमारी सास, हमारी ननद, हमारा जेठ, हमारा ससुर, कोई घर में घुसने नहीं दिया। करते हैं क्या मतलब बैर शादी की, वो कितना खुश हो तुम इस शादी से? बिल्कुल भी नहीं खुश है। क्या हो रहा है अब? हम एक बच्चा लेकर परेशान है, अब इधर उधर दर दर भटक रहे हैं और थाना का चक्कर काट रहे हैं, हमारा सुनवाई भी नहीं हो रहा है। अब मम्मी पापा भी नाराज हैं, गलती कर मम्मी पापा जहाँ शादी कर दे वहीं खुश रहे, वहीं शादी करें, लव मैरिज काहे ना करी तू बता। हम उन लोगों से यही कहेंगे कि शादी करने के बाद लव मैरिज जो करता है उनको धोखा ही मिलता है, अधूरे में छोड़ देंगे। काल प्रणाम शस्त्रिया काल अदाब गौर लगातानी, हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा थाना क्षेत्र के दनघटा। आयल बटिन चंचल और चंचल का बदे आयल बटिन, का पूरा मामला है चंचल से खुद जानब। बहुत बहुत स्वागत है चंचल, का मामला है यहाँ थाने चक्कर लगा रही है? हम लव मैरिज शादी किए और जब इंटर में पढ़ रहे थे तभी हम लोग का संबंध बना जी। उसके बाद क्या हुआ? अब धीरे धीरे बातचीत करते करते हम दोनों मुंबई भी चले गए थे। अच्छा, माँ बाप को छोड़ गए? हाँ। तो जब मुंबई चली गए तो माँ बाप का कहे, तुम्हारे मम्मी और पापा का कहे जब तुम मुंबई चली गई? हम जाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे तब हमको जबरदस्ती लेकर गए। कौन? हमारे पति। क्या नाम था उसका? शैलेंद्र। तो क्या हुआ उसके बाद? हम बातचीत बेशक करते थे लेकिन जब जाने के लिए हुआ तो हम बोले हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ धोखा किए, बोले तुम 2 मिनट के लिए आ जाओ, हम छत पे सोए थे, हम नीचे गए लेकिन ये जबरदस्ती लेकर चले गए हमको मुंबई। जब गए वहाँ 4 दिन बस रहे हम वहाँ से और फिर छोड़ ओड़ के चले आए अपने घर। तो क्या हुआ आगे? मेरे मम्मी पापा भी लिखवा उखवा दिए थे, केस उस कर दिए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर हम बातचीत करने लगे। तो क्या हुआ उसके बाद? धीरे धीरे बात करते करते आना जाना मतलब संबंध फिर से बन गया वही। अब
हम पेट से हुए तो ये राजी खुशी से दोनों लोग चले गए दिल्ली। दिल्ली रहने लगे, बच्ची हुई तो बच्ची होने के कारण वो छोड़कर हमको चले आए घर दिल्ली, कौन? शैलेंद्र हमारे पति। और हम भी जब दिल्ली हमको, से चले आए छोड़ हाँ के, दिल्ली से चले आए, तो उसके बाद आप इंतजार कैसे की? हम एक दिन दो दिन इंतजार किए, वो बोले हम गए हैं आए हैं दोस्त दोस्त के घर अपने, आ जाएंगे 2 दिन में। लेकिन 2 4 दिन ऐसे बीता, उसके बाद धीरे धीरे हमको मालूम पड़ा ये घर चले आए। कोई कोई हमको बताया तो हम भी वहां से आए। तब अकेली कैसे आई वहां से? हम अकेले आए थे, मतलब आनंद विहार गए पहले, और स्टेशन पे वहां बैठे तो खलीलाबाद स्टेशन पे उतरे, इसके बाद क्या हुआ? वहां से घर गए तो हमारी सास, हमारी ननद, हमारा जेठ, हमारा ससुर, कोई घर में घुसने नहीं दिया। सब लोग मार पीट कर भगा दिए, बोले कि और दहेज लेके आओ, कोई दहेज देकर शादी नहीं की हो तुम, और हमारे लड़के को गाड़ी चाहिए 5 लाख रुपए चाहिए, और हमारे बड़े लड़के को मिला है 4 पहिया गाड़ी, तुम भी लेकर आओ तो तुमको रहने देंगे। कौन ये बात कर? हमारी सास, हमारी ननद और हमारे ससुर। तो उसके बाद आपने क्या किया, जब जब वहां दरवाजे पे गए सब मांग के, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम वहां से चले आए, जब हमको सब लोग घर में नहीं घुसने दिए, मार पीट कर भगा दिए, तो हम तनघट्टा थाना पे आए। 2 3 महीने से मतलब यहाँ एप्लीकेशन डाले हैं, 2 3 महीने से दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। चंचल, उस उन बच्चियों को क्या कहना चाहती हो जो कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ते पढ़ते लव कर लेती हैं, लव करने के बाद उसके बाद वह एकाएक किसी के बहकावे में आकर के तुम्हारे जैसा कदम उठा लेती हैं, उन लोग क्या कहना चाहती हो? हम उन लोगों से यही कहेंगे कि ऐसा कभी ना करे, मतलब हम ऐसे कर दिए ना तो हमको बहुत पछतावा हो रहा है, और सबसे हमें यही कहेंगे कि कभी ऐसा ना करे। मम्मी पापा जहाँ शादी कर दे वहीं पे खुश रहो, और खुद से कभी शादी मत करो, लव मैरिज कभी भी नहीं। तो जो लव मैरिज शादी करते हैं, क्या तुम लव मैरिज शादी की हो, कितना खुश हो तुम इस शादी से? बिल्कुल भी नहीं खुश है। क्या हो रहा है इसमें? अब हम एक बच्चा लेकर परेशान है, अब इधर उधर दर दर भटक रहे हैं, और थाना का चक्कर काट रहे हैं, हमारा सुनवाई भी नहीं हो रहा है। अब मम्मी पापा भी नाराज हैं गलती करने की वजह से, इसीलिए हम सबसे यही कहेंगे कि लव मैरिज कोई शादी वादी न करें। जब तुम ये कदम उठाए थे, क्या ये सब बात सोची थी आप? हमारे घर वाले बहुत समझाए लेकिन तब नहीं हम समझे, लेकिन अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तब समझ में आ रहा है कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए मम्मी पापा के साथ। जो अभी भी जो कर रही हैं, उन लोगों को क्या एक संदेश फिर बताओ, क्या संदेश देना चाहते हैं? उन लोगों से यही निवेदन है, लव मैरिज शादी ना करें, मम्मी पापा जहाँ शादी कर दे वहीं खुश रहें, वहीं शादी तो लोग करें। कह रहे हैं लव मैरिज काहे ना करी, तू बताओ। हम उन लोगों से यही कहेंगे कि शादी करने के बाद लव मैरिज जो करता है उनको धोखा ही मिलता है, अधूरे में छोड़ देंगे। और उसके बाद जब जिस पति पे आप, जिस प्यार, जिस प्रेमी पे आप विश्वास करके शादी रचाई, आज वही प्रेमी आपको छोड़ दिया, तो आप कहाँ गई, अपने मायके गई कि कहाँ गई? नहीं, बुआ के घर हैं इस समय, बुआ के घर रह रहे हैं, आप कहाँ जाएं? अपने मायके नहीं जा गई? नहीं मैं को नहीं गई, घर वाले भी नाराज हैं हमसे, हमारे पापा बोल दिए मतलब जो ऐसा करेगा वो उससे हमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ चंचल है, और चंचल के हाथ में एक गुड़िया है। यह मासूम सी गुड़िया जैसे ही चंचल के जिंदगी में आती है, तो पूरा चंचल के जो जीवन था उसमें तबाही मच जाता है। और आपको बताएं पूरी कहानी का है कि चंचल जब इंटर में पढ़ा तालीन है, और वही इंटर में पढ़ने के दौरान चंचल से एक लड़का से लव हो जाता है, और लगभग यह प्यार करीब
तीन चार साल तक चलता है, और तीन चार साल चलने के बाद प्यार इतना मिठा जाला कि जो माँ बाप के 18 साल का मोहब्बत होले वो चंचल ठुकरा देलिन, और चंचल माँ बाप के प्यार के ठुकरा करके अपने प्रेमी के साथ भाग करके मंदिर में शादी कर लेलिन, और मंदिर में शादी कर के जीवन बढ़िया से चलता आला और दिल्ली में रहलिन है। और वही वक्त चंचल के एक बिटिया पैदा होले, और जब बिटिया पैदा होले साल भर के बाद तो चंचल के जो पति रहना हो, जो प्रेमी पति बन गए रहना है, और चंचल के दिल्ली में ही छोड़ के वहाँ से भाग गए। अब बताएं ये चंचल के मोहब्बत के ना माँ बाप, चंचल का कहलिन अपने माँ बाप से सबसे ऊपर होकर के विश्वास कहलिन अपने प्रेमी पर, लेकिन इना जानता है प्रेमी इनके धोखा दे दे। अब प्रेमी इनसे कहत बाकी हम शादी विवाह ना करब, तू जहाँ भी सातू जहाँ शादी तू करल चाह तू शादी कर ले। चंचल अब एक लड़का लेके और इधर उधर थाने के चक्कर लगावते हैं, न्याय के गुहार मांगते हैं। और चंचल ये भी बात करें हैं कि ये भी हमारे वीडियो के देखत बा, ये प्यार मोहब्बत करत बा वो अपने माँ बाप के ही कहला माने, जहाँ माँ बाप उनकर शादी करे वहीं जा कर के वो शादी करे, नहीं तो जीवन जैसे हमार खराब होत बा और उसे उनका भी जीवन खराब हो जाए। और चंचल ये भी कहें कि लोग जो जैसे आज हम ठोकर खाते हैं दर दर के, लोग ठोकर खाने कहें प्यार मोहब्बत में लोग जो बहकावा करेला कि तो अरे साथे हम जिए मल्ले के जो कसम खाला वो सब कसम भूल जाला। अब ये बताएं शादी से कुछ ही वर्ष भैल की जैसे ही उनके जीवन में लड़का एक लड़की पैदा भैल तैसे उनके जीवन के नरक बन गए। और अब चंचल दिल्ली से किसी तरह से वहाँ से ट्रेन करके खलीलाबाद अलिन, और खलीलाबाद से जब अपने ससुराल गलिन तो वहाँ इनके सास ससुर ननद और जो इनके प्रेमी रहल जो पति बना लाला ये सब इनके घर से मार के ताड़ देना, और इनसे दहेज का मांग करे लगना कि हमारे जो बड़का लड़का बा ओके चरपहिया गाड़ी मिलल रहा है 5 लाख तिलक मिलल रहा है, और तू भाग के आयल बाटू, तू अगर हमारे भाई के इतना तुहार बाप देवे के औकात रखे तो तू हमारे घरे रहा भैया हो। प्यार मोहब्बत कई के ले गई न भगा के ले गई न, अब जब बच्ची पैदा हो गई तब चंचल के घर से तार देना। जितना भी प्यार करे वाले लोग बाटा एक बार सब लोग हमारी खबर के जरूर देखा, ये खबर लगौले का उद्देश्य हमारी बा कि माँ बाप के ये 18 साल तक 16 साल तक अपने बिटिया के पाले ला ओकरे बाद बिटिया उनके बात के न मान करके प्रेमी के साथ चल जाला तो चंचल की तरह उनकर नरक होला। और चंचल आज उपदेश देते हैं कि जब 12 में पढ़त रही तब हमके इस समझ में ना आवत रहा है कि हकीकत में कबो हमारे साथ धोखा करिए, लेकिन जब धोखा मिलल तब चंचल उपदेश देत बाटे। बनल है चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।